गोरेगांव पुलिस स्टेशन के हद में एक मामला ऐसा आया जिसमें बैंक कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए। अपराधी SBI बैंक में प्राइवेट कंपनी के जरिए गोरेगांव ब्रांच में काम करता था। कलकत्ता के डॉक्टर हिरेंद्र पाल जिनके अकाउंट से 1,29,00,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल पाल जी की मृत्यु होने के कारण कई सालों से अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर अपराधी ने डॉक्टर पाल के नाम की फर्जी दस्तावेज बनाकर उसका KYC करके इस घटना को अंजाम दिया। गुना दाखिल कर दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि जो डॉक्टर हिरेंद्र कुमार पाल करके कोलकाता में अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उनका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट था, अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो आगे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर ब्रांच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे BVG कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लड़के काम कर रहे थे उनके थ्रू अकाउंट में KYC अपडेट कर दिया। जून 21 में KYC अपडेट करने में उन्होंने मोबाइल अपडेट कर दिया, उनका खुद का आधार कार्ड अपडेट कर दिया और फिर उसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू करवाया। नेट बैंकिंग चालू होने के बाद उन्होंने वो अकाउंट से अलग अलग 11 अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू 1,29,00,000 ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से फिर आगे वो 11 अकाउंट से 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये उनका मोडस था वहाँ पे। सर, आरोपी को कैसे जानकारी मिली कि इतना पैसा इस अकाउंट में रखा हुआ है? आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से काम कर रहा था, शायद उन्होंने बैंक से आगा वहाँ पे एक्सेस मिला रहेगा, वहाँ से उसके बारे में छानबीन चालू है। क्या कोई पुराना रिकॉर्ड है आरोपी के पास? नहीं, अभी पुराना रिकॉर्ड अभी तक कुछ नहीं है। हमने एक आरोपी का अरेस्ट किया है और 2-3 आरोपी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। सर, रिकवरी में क्या प्रक्रिया? अभी तक रिकवरी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक आरोपी अटक है, 3 आरोपी अभी भी वांटेड है। जिस दस्तावेज को उसने KYC के नाम पे दिया, क्या वो दस्तावेज बोगस बनाया गया था? हाँ, उसमें आधार कार्ड अपडेट किया, वो बोगस ही है। और उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट किया 3 अलग अलग, वो 3 मोबाइल नंबर ही अलग आरोपी का ही उनके थ्रू अपडेट किया गया है। क्या बैंक का कोई कर्मचारी इसमें मिला होने की आशंका है? अभी तक ऐसी कुछ जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं।